गूगल पे अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में हम कैसे पैसा भेजते हैं, कैसे उसे मोबाइल रिचार्ज कहते हैं, कितना कठिन होता है या इसमें कोई रिक्सी है, क्या क्या है इसकी सारी जानकारी देते हैं, कैसे इसको अकाउंट बनाएंगे, कैसे इसमें बैंक अकाउंट ऐड करना है, तो इस 10 मिनट के वीडियो में हम पूरी जानकारी कवर करके देंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले आपको एकदम लाइव दिखाते हैं कि अगर हमें किसी फ्रेंड को या किसी ने हमसे कोई पैसा उधार मांगा है या फिर उसको हमें पैसा भेजना है अपने बैंक अकाउंट से, तो हम कैसे भेज सकते हैं। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं वही चीज़। तो सबसे पहले हम किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में जो है पैसा भेज करके देखते हैं कितना इसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं जो है मोबाइल स्क्रीन पर। ये मेरे पास दो मोबाइल हैं, तो यहाँ पर जो दूसरा मोबाइल है इसका कुछ मतलब नहीं, इसमें तो जो है वो सिम डली है जो कि दूसरे बैंक अकाउंट से ऐड है। तो हम इसमें पैसा जब भेजेंगे तो हमारे इस मोबाइल पर जो है नोटिफिकेशन आएगा और हम चेक कर लेंगे बैलेंस की बाकी में हमारा बैलेंस आया है, कितना टाइम लगता है। तो हम यहाँ से गूगल पे का जो मेरा अकाउंट है हम उसको ओपन करते हैं यहाँ से एप्लीकेशन को, और यहाँ से जो पैटर्न लॉक होता है ये वही बंदा जिसके मैं जो है पैटर्न लॉक है वही खोलेगा तभी ओपन होगा। तो ये इसकी सिक्योरिटी हो गई है, तो सिक्योरिटी काफ़ी इसकी ठीक है और जो है इस तरीके से कोई इसको हैक नहीं कर सकता क्योंकि ये जो है पेटीएम और फ़ोनपे वगैरह से काफ़ी जो है ट्रस्टेबल है क्योंकि ये गूगल का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले अपना जो है मैं बैंक का बैलेंस चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं *99# डायल करूँगा और मैं अपना बैलेंस चेक करूँगा। अब आप सोचेंगे *99# डायल करके कैसे आप बैलेंस चेक कर सकेंगे, तो फ्रेंड उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो आप नीचे मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से बैलेंस चेक करना सीख सकते हैं। बस सिर्फ दो अंक आपको डायल करने हैं और यहां से देखिए मैं जिस तरीके से फोन लगाता हूं, ये मेरा SBI का है बैंक अकाउंट, तो मैं देखिए कितने फटाक से बैलेंस चेक कर लेता हूं। तो यहां से मैं जैसे इसको जो है डायल करता हूं तो यहां इस तरीके से ऑप्शन आता है, यहां पर नंबर 3 पर लिखा हुआ है जो है बैलेंस चेक करें, तो मैंने चेक बैलेंस 3 नंबर डायल करके जो है सबमिट कर दिया है। यहाँ पर एक पासवर्ड होता है, वो आपको उसी वीडियो में सारा कुछ बनाने के बारे में आपको पता चलेगा, तो मैंने वो पासवर्ड डाल दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो है 163,403 रुपये यहाँ पर आपको बैलेंस दिख रहा है। अब आप देख लीजिए 403 रुपये। ठीक है, अब मैं इसमें 10 रुपये जो है भेज करके देखूंगा कि बाकी में कितना टाइम लगेगा भेजने में। ठीक है, तो चलिए हम भेजने की प्रक्रिया जो है शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कितना इसमें टाइम लगेगा, क्या क्या इसमें जो है कंडीशंस देखनी होती हैं। तो आप यहां से बैलेंस देख लीजिएगा मेरे 403 रुपये यानी कि 163,403। ठीक है, चलिए अब हम इसको जो है भेज करके दिखाते हैं। और इस तरीके से ऑनलाइन पैसा भेजना बहुत ही जो है अच्छी चीज़ है क्योंकि अगर किसी ने हमसे उधार लिया तो हम उसको बता तो सकेंगे सबूत के तौर पर, अगर हम नगद देंगे तो कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर हम जैसे ही इसको ओपन करते हैं अपने अकाउंट को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन मिल जाता है बैंक ट्रांसफ़र, और यहाँ पर हम बैंक ट्रांसफ़र पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो बस कुछ नहीं करना पड़ता है, जिस भी व्यक्ति को हमें पैसा भेजना है वहाँ पर अपना जो है दो बार अपना अकाउंट नंबर डाल देना है, IFSC कोड डाल देना है और उस व्यक्ति का नाम डाल देना है बस। और इसमें कोई आपको फर्जीवाड़ा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी इसमें कोई समस्या नहीं होती क्योंकि मैं इसको हमेशा ही यूज़ करता हूं। और ये सब डाल देने के बाद जैसे ही सबमिट करोगे तो यहां पर पैसा भरने के लिए आ जाता है आपको कितना रुपए जो है भेजना है। तो मैं यहां पर सिर्फ 10 रुपए जो है भेज करके देखना चाहता हूं, तो मैं यहां पर 10 रुपए जो है भेजूंगा। आप इसमें जो है 10,000-20,000 रुपए तक के कितना भी ट्रांसफ़र जो है कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर ये पूछता है किस लिए आप भेजना चाहते हैं, तो मैंने कहा उधार लिया है मेरे से। ठीक है, तो मैं यहां पर लैंड लिख देता हूं, तो ये जो है डाटा है वो सेव रहता है, अगर कभी भविष्य में उसने पूछा कि हमने कब पैसे लिए थे तो आप उसको दिखा सकते हो, ये सबूत के तौर पर है। ठीक है, और यहां से हम प्रोसेस टू पे पर हम क्लिक करते हैं, तो यहां पर हमें सिर्फ एक पासवर्ड डालना होता है, वो पासवर्ड सिर्फ हमें ही पता होता है। ठीक है, तो यहां पर हम वो पासवर्ड डाल देते हैं, आगे हम इसका जो है वीडियो आपको बना करके बताएंगे कैसे, हमें इसी वीडियो में बताऊंगा कैसे अकाउंट बनाना है, तो उसमें आप सारा कुछ सीख जाएंगे। तो मैं पासवर्ड डाल के सबमिट पर क्लिक कर देता हूं। यहां पर जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और यहां से जो है मेरा पैसा सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। देखिए इतना सा टाइम लगता है सिर्फ पैसा भेजने में, मान लीजिए इसको आपको बनाना सीख लेना चाहिए। आप बाय द वे कहीं बाहर गए हैं और आपको ज़रूरत पड़ जाए और बैंक में कैश ना हो तो आप किसी दुकानदार से कुछ खरीदा है तो उसको पे तो कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो है मेरा बैलेंस कट के आ चुका है 10 रुपये। ठीक है, अब मैं इसमें देखता हूँ क्या मेरा बैलेंस बाकी में आया है या नहीं, या ऐसे ही है कुछ फर्जीवाड़ा। तो यहाँ पर चलिए मैं वही प्रक्रिया करता हूँ *99# डायल करके। तो मैं इस वीडियो को स्किप कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो और मैं ये सारी प्रक्रिया करके जो है आपको सीधा वहाँ बैलेंस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो है बैलेंस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा
आपके जो है 63,413 रुपये, यानी कि मेरे पहले 403 रुपये थे, अब आप देख सकते हैं 413 रुपये आ चुके हैं, यानी कि मेरा 10 रुपये ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से बड़ा ही आसानी से हम जो है पैसा भेज सकते हैं, कोई बहुत लंबी इसमें प्रोसेस नहीं होती है, पेटीएम से तो कहीं ज़्यादा ईजी है। अब इसका देखिए अकाउंट बनाना और भी ईजी है, बिल्कुल चुटकियों में अकाउंट बन जाता है इसका, पेटीएम में तो बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं जो है मोबाइल स्क्रीन पर, और यहाँ से हम जो है गूगल पे आप एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, और जैसे आप इंस्टॉल करोगे उसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको जो है मोबाइल नंबर मांगेगा, आप जो है साइन अप पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर जो है एक आपको जो है ओटीपी आएगा, यहाँ पर आपका नाम सेलेक्ट कर लिया जाएगा, यहाँ से आपको एक ओटीपी आपके मैसेज पर आएगा, तो आपको वो ओटीपी यहाँ पर डाल देना है, या फिर आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर ओटीपी सबमिट कर सकता है। अगर नहीं करता तो आप मोबाइल से वो कॉपी करके और यहाँ पर डाल करके और सबमिट बटन पर हम जो है क्लिक कर देते हैं, तो हम आ जाते हैं इस पेज पर। यहाँ पर वो कहता है कि आप जो है कोई लॉक बना लीजिए अपना, जैसे मेरा फिंगर पैटर्न लॉक आपने देखा था जब मैंने स्टार्टिंग में खोला था, तो यहाँ पर आप जो है कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जो है एक पैटर्न लॉक बनाने के लिए बोला जाएगा, तो आप यहाँ पर उसको जो है बना लीजिएगा और जो भी आपका पैटर्न लॉक है, और यहाँ से बस हमारा जो है अकाउंट एकदम बन चुका है। अब बात आती है यार बैंक अकाउंट ऐड करने की, क्योंकि तभी तो हम उसमें पैसा कोई ले सकेंगे या उससे भेज सकेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है बैंक अकाउंट के लिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है ऐड बैंक अकाउंट, तो जैसे ही ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करते हो तो बहुत सारे बैंक यहाँ पर आ जाते हैं, आप इसमें से कोई भी अपना बैंक जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका बैंक है, ठीक है। आपका आप उसी मोबाइल नंबर से बना सकते हैं गूगल पे का अकाउंट जो कि आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड हो, यानी कि रजिस्टर्ड का मतलब उसमें मैसेज आते हों। तो मेरा यहाँ पर PNB का बैंक है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर ये कहता है कि आपका ये नंबर लिंक है, तो मैंने कहा हाँ, तो हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ से वेरीफाई करता है, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा टाइम लगेगा तो ये वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है UPI पिन, आप जब नया बनाएंगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा क्रिएट ए UPI पिन, तो आप क्रिएट ए UPI पिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो बार जो है अपना पिन डाल देना होगा, जो भी आप नया पिन बनाना चाहें, 6 अंक का यहाँ पर आप पिन बना सकते हैं, कोई भी संख्या भर करके, और एक संख्या आप जो है ऐसी भरिएगा कि किसी को मालूम ना चल सके, क्योंकि ये आपकी जो है सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ और आप देख सकते हैं मेरा जो है UPI पिन बन चुका है, गूगल पे अकाउंट बन चुका है, मैंने बैंक अकाउंट ऐड कर लिया है। इसमें आप क्या क्या चीज़ों की जो है फ़ायदा ले सकते हैं, क्या क्या हमें बेनिफिट मिल सकते हैं, तो इसमें देखिए यहाँ पर मेरा देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक ऐड हो चुका है। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, जो है बिजली का बिल भर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड यार अगर आपका कोई सवाल है तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसका जो है ज़रूर जवाब देंगे। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो यार लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड।